क्रैब साइकिल फर्स्ट द कॉन्टेंट्स क्रैबसाइकल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन स्केलेटन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लोकेशन ऑफ क्रैपसाइकिल फॉर्मेशन ऑफ ए को एनजाम ए एंड फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड तो फर्स्ट है क्रैपसाइकिल तो क्रैपसाइकिल को हम क्रैपसाइकिल इसलिए कहते हैं कि हैंड स्क्रैप द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर दिस साइकिल विद इन द सेल्स सेल्स के अंदर सबसे पहले इस मेटाबोलिक पाथवे को हैंड क्रैब ने डिस्कवर किया था उसी के नाम के ऊपर हम इसको है वो साइकिल कहते हैं तो साइकिल के डेफिनेशन डिफाइन करें हम इसको तो साइकिल इज बेसिकली साइकिलिक मेटाबोलिक पाथवे इन विच एसिटाइल को एंडजाइम ए रिएक्ट्स विद द ऑक्जेलो एसीटेट एंड इट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स आर कंप्लीट कार्बन स्कैल्टन ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन दैट इज कन्वर्टेड इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से एसीटाइल एंजाइम ए को अगर हम देखें तो एसीटाइल को एंजाइम ए बेसिकली बनता है पायरोवेट से तो यानी ग्लूकोज से पायरुवेट पायरुवेट से एसीटाइल ए, एसीटाइल को एंजाइम ए एंटर होगा क्रैब साइकिल के अंदर और इसके बाद जितने भी कार्बन आइटम्स हैं वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्रैब साइकिल को हम सिट्रिकेसर साइकिल भी कहते हैं इसके अलावा क्रैब साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिकेसर साइकिल भी है एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्रैप साइकिल में जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है जब एग्जैलो एसडिड और एसिडॉल को अंजाम ए मिलते हैं तो एसिड बनता है इस वजह से हम इसको एसिड साइकिल कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसके पास तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं एसिड के पास तो पहला जो मालिक्यूल है वो तीन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है सी डब्ल्यू एच ग्रुप वाला है तो तीन कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो इसका नाम देते हैं क्रैब साइकिल का सीक्वेंस हमारे पास फिर आएगा ग्लूकोज से पायरुवेट पायरुवेट से एसी टाइल को एनजाइम ए और एसीटाइल कोजाइम ए जो है वो देन क्रैब साइकिल में यहाँ एक चीज आपने थोड़ी सी क्लियर रखनी है कि कुछ बुक्स के अंदर या कुछ जगहों पर लिखा होता है कि क्रैब साइकिल में क्या जी पायरोट जो है वो क्रैब साइकिल में एंटर हो रहा है नहीं पायरोट फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू एसी टाइल ए देन एसीडाइल को जॉइन द क्रैब साइकिल अगर हम साइकिल तक देखें तो ग्लूकोज का जो कार्बन सकेलेटन है वो कम्प्लीटली डाउन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो कम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लूकोज के कार्बन सकेलेटन की हो जाएगी जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा से देखें ग्लूकोज जब ग्लाइकॉलिस में एंटर होता है तो ग्लूकोज के पास सिक्स कार्बन है ग्लाइकॉलिस एंड हुआ तो सिक्स कार्बन मालिक्यूल तीन तीन कार्बन के दो मालिक्यूल बना चुका होता है जिसको पायरुवेट कहते हैं जैसे ही पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाम ए बनेगा एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो तीन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है दो जो हैं कार्बन वो क्रेब साइकिल में एंटर होंगे और ये दोनों कार्बन क्रेब साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसा एक पायरुवेट में सेम ये प्रोसेस है तो दूसरे में भी सेम यही प्रोसेस होगा तो ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज दे आर कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द साइकिल तो ओवरऑल जो है वो अगर आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने एक सौ स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि जैसे एक ग्लूकोज से दो पायरुबेट दो पायरुवेट से दो एसिटाइल को अंजामिया बनेंगे और दो कार्बन डाइऑक्साइड एक एक करके दो कार्बन डा ऑक्साइड निकलेंगे इससे दोनों एसिटाइल को अंजाम जब साइकिल में आएंगे जाएं तो एक एसिटाइल से ट्रू कार्बन तो दो एसिटाइल ग्रुप से फोर कार्बन बनेंगे तो टोटल सिक्स कार्बन थे सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड मालिक जो है वो रिलीज हो जाएंगे वाट आर हेल्पिंग हैपनिंग एल्स इन द साइकिल क्रैपसाइकिल साइकिल के अंदर और क्या कुछ हो रहा है साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के अलावा यानी कार्बन सिकल्टन की डिग्रेडेशन के अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सिंथेसिस ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर के इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं एन ए डी एच और एफ ए डी एच टू की जो है वो सिंथेसिस है तो वे ड्यूरिंग क्रैब साइकिल एक जब साइकिल चलेगा तो उसके दौरान थ्री एन प्रोड्यूस होंगे और एक एफ प्रोड्यूस होगा अब देखें दो पायरुवेट थे तो दो दफा दो दो साइकिल चलेगा एक क्रैब साइकिल में थ्री एन प्लस वन एफ ए डी एच टू दूसरा क्रैबसाइकिल चलेगा अगेन थ्री एन प्लस वन एफ टू तो टोटल तो 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 ग्लूकोज के मालिकुल जब दो दफा रिसाइकिल होगा यानी दो पायरुवेट होंगे तो थ्री प्लस थ्री सिक्स एन बनेंगे और टू एफ टू जो है वो प्रोड्यूस होंगे इसमें वन एक्स्ट्रा थिंग इज वन वन जी टी पी मालिक्यूलो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द साइकिल अच्छा यहाँ जी टी पी का जी टी पी जो है ये इज इक्विवेलेंट टू ए टी पी है हमारे बॉडी के कुछ सेल्स हैं स्पेशली जब प्रोटीन से होती है तो प्रोटीन के दौरान जी टी पी को यूटिलाइज किया जाता है ए टी पी की बजाय जी टी पी तो जी टी पी इज आल्सो द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ये भी सेल की एनर्जी करेंसी के तौर पर जो वो यूज होगी तो वट इज द लोकेशन ऑफ साइकिल क्रैब साइकिल ग्लाइकॉलिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिस में इट इस वी आर वेरी क्लियर कि ग्लाइकॉल्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है साइटोसोल के अंदर है इसे जो क्रैब साइकिल इट ऑलवेज टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल चलेगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर पायरुवेट जो है ग्लाइकॉलस थ्रू जो बन रहा है वो बन रहा है साइटोप्लाज्म साइटोसोल में क्रैब साइकिल जो है वो चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में तो फिर पायरुवेट को मूव करना पड़ेगा इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया ये स्टेप है जिसके दौरान यानी कि पायरुवेट मूव करके आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है के तो जो है वो क्रेब साइकिल चलेगा जी अब पायरुवेट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तो पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि उससे पहले जो स्टेप है वो है कि इसकी जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप है या जिसके दौरान क्या होगा कि पायरोट इज कन्वर्टेड इन एसिटाइल ए को एंडजाइम ए और इसके साथ साथ जो है वो एन ई डी एच मालिकूल जो है वो जहीं एक रिडक्शन होगी डी कारबो प्लस रिडक्शन स्टेप इसको बोलेंगे जिसमें पायरुवेट इज कन्वर्टेड इन टू एसीटाइलको एनजा एज वन मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड वन मालिक्यूल ऑफ एन ई डी एच इज आल्सोसाइज हेयर यहाँ अगर आप इसको रिएक्शन को देख लें ये वो स्टेप है जो पायरुवेट किस तरह से जो है वो एसीटाइलको एनजाम ए में कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहले इसका जो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पायरु सी डब्लू एच ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो पायरुवेड से थ्री कार्बन पायरुवेड से टू कार्बन क्या बन रहा है हमारे पास इस टाइल को बन रहा है वन मालिकुलर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो रहा है वन एन ए डी एच जो है वो सेंथिसाइज हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड यहां से सिट्रिक एसिड साइकिल जो स्टार्ट होगा अब जो इस टाइल को सेंथिसाइज हुआ है फॉर्मेशन हुई है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्जेलो एसीटेट से कंबाइन करेगा या यासिटिक एसिड भी बोलते हैं ऑग्जेलो एसिडिक एसेड कह लें या ऑग्जेलो एसीटेट कह लें ऑग्जेलो एसिडिकसिड के साथ जब एसडल को में कंबाइन करेगा ऑग्जेलो एसिडिक एसिड फोर कार्बन मालिक्यूल है एसिटाइल को इंजामिक टू कार्बन मालिक्यूल है तो फोर कार्बन वाला टू कार्बन जब कंबाइन करेंगे तो एक सिक्स कार्बन मालिक्यूल बनेगा दैट इज द सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड जो है ये सिक्स कार्बन मालिक्यूल है और इंटरेस्टिंगली अगर हम इसको देखें तो इसी क्योंकि सबसे जो पहला मालिक्यूल बन रहा है वो सिट्रिक एसिड है इसी की वजह से हम क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं अब जो सिट्रिक एसड इसके साथ पास तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं सी डब्लू एच ग्रुप हैं और इसी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं यानी तीन सी डब्लू एच ग्रुप रखने वाला जहाँ मालिक्यूल जो है उसके नाम के ऊपर ही हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहेंगे